ताज़ा भी ताज़ा। एक छोटा बस छोटा तो जी फ्रेंड्स, अगर पे हम लोग पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्यूट से हमारे फैमिली मेंबर दो और आ गए हैं। तो ये बहुत क्यूट है और रात को इम्तियाज़ इनको लेके आए हैं और ये बहुत प्यारे हैं। और देखें अभी गाजर खा रहे हैं। तो ये तिरजा देखें इनके साथ खुश हैं। तो जू आप बात कीजिए। तो जी फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं छोटे छोटे हैबिट और मैं बहुत खुश हूँ आज कि पापा में ये रात को गोश्त लेके आए। ये बहुत प्यारे प्यारे है बेटा। ये देखिए गाजर खाएं। और तिज्जू इतनी खुश हैं, इतने ये क्यूट हैं। मैंने इनको रात में गोदी में बिठाया हुआ था और ये इतने प्यारे हैं और सॉफ्ट इतने हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रैबिट पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो ये देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं गाजर। गाजर इनको बहुत पसंद होती है तो मैंने इनके लिए 4-5 गाजरें ले आई हूँ। मैंने कहा इनको बहुत पसंद है और हरी हरी घास बहुत शौक से खाते हैं। तो बस जी आप देख सकते हैं दोनों खुश हैं बहुत गाजर के साथ। गाजर खा रहे हैं बड़े शौक से। तो चलें फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अभी ये किचन में सब चीज़ें वॉश करती हूँ तो फिर शुरू करती हूँ पकाना। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें कटिंग करके रख ली हैं और मैंने अच्छे से इनको सबको वॉश कर लिया सारी चीज़ों को। तो ये है सारा सामान जो मैंने कटिंग करके पीस के रख लिया है। तो बस जी आपको मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। चिकन कढ़ाई मैं अपने तरीके से बना रही हूँ सिंपली। तो जी फ्रेंड्स, ये पंजाबी तरीके से मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। हम लोग पंजाबी हैं और हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो बस जी फ्रेंड्स, इधर मैंने 3 पाव चिकन ले लिया, रान का मैंने गोश्त लिया 3 पाव। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज लिए 3 छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज थी। यहाँ से 4 से 5 टमाटर थे, काफ़ी ज़्यादा टमाटर इसमें डलते हैं। और ये हैं कुछ ड्राई मसाले इसमें हैं जी फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, 1/2 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया पिसा हुआ, और ये है थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये है हसबे जायका नमक है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ले लिया, अदरक लहसुन मैंने थोड़ा 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और तकरीबन 6 जवे मैंने लहसुन के लिए थे बड़े वाले। और ये हैं हरी मिर्चें इस तरीके से मैंने ले ली हैं। और ये 1/2 किलो वाला मैंने साशे लिया कढ़ाई मसाले का, चिकन कढ़ाई। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बस जी चिकन मैंने डाल चुकी हूँ, ऑयल मैंने हल्की आंच पे गरम रखा हुआ था। और ऑयल मैंने कितना लिया, ये वाला 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। तो इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक डाल देना इसमें। और ये मैं अपने तरीके से फ्रेंड्स बना रही हूँ, हमारे घर में इसी तरीके से बनती है तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो बस जी फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्राई हो रहा है सारा चिकन और अदरक लहसुन। तो इसको इसी तरीके से मैंने इसमें अच्छे से चिकन का कलर जब तक चेंज नहीं होता इसको मैं फ्राई कर लूँगी और अदरक लहसुन जब तक पक नहीं जाता। तो बस जी फ्रेंड्स, न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू। तो आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते हैं और इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बस जी यहाँ पे चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अभी मैं आपको आगे का बताती हूँ कि आगे इसमें क्या करना है। बस जी इसी दौरान मैंने सारे मसाले इसमें डाल देने हैं और ये बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी रेसिपी पसंद आने वाली है। तो ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ कढ़ाई मसाला डाल दूँगी और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। और इसी के साथ इस तरीके से मैं इसके ऊपर टमाटर रख दूँगी सारे।
तो बस जी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल के सारे मसाले एक साथ डाल के अदरक लहसुन में मैंने इसको पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद सारे मसाले डाल के इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। हल्का सा धनिया डाल दिया है और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाल के इसको मैंने रख देना हल्की आँच पर। तो इसको मैं बताती हूँ थोड़ी देर के बाद आपको। तो बस जी जब तक वहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, जब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और फ्रेंड्स लाइक नहीं करते, लाइक भी प्लीज़ किया करें आप लोग। तो बस ये बचा हुआ धनिया मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो बस जी सारी चीज़ें देखें मैंने हैंग की हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। तो बस जी एक मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपका तोता और आपका किचन सेम टू सेम है, और वाकई मैंने भी नहीं ये चीज़ नोट की थी। तो उनके कमेंट जब मैंने हमने पढ़ा तो मैंने उसी वक्त नोटिस किया था, वाकई में बिल्कुल सेम टू सेम ही है, तो मैंने ये कभी गौर ही नहीं किया था। तो थैंक यू, आप लोग इतने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स सारी मैंने जो भी बास्केट थी फूलों वाली सारी मैंने देखें फ्रेंड्स इधर धो के अच्छे से वॉश करके लगा दी है। तो बस ये दूसरा वाला रूम है। अच्छा जी ये भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, पंखे आपको देख रहे हैं, पंखे हम लोगों के चल रहे हैं। तो बस वीडियो के लिए मैंने बंद किए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो घर मेरा देख सकते हैं नीट एंड क्लीन साफ सुथरा, बस कमरे भी हमारे बिल्कुल नीट है साफ हैं। तो बस जी फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं कढ़ाई को। तो बस जी ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल हल्की आंच इसकी की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये साइड से देखें पक रहा है, इतनी हल्की आंच मैंने की हुई क्योंकि मसाले जले भी ना। तो बस जी आप देख सकते हैं अभी मैं इस दौरान थोड़ी सी मैंने आंच इसकी तेज़ की, अभी मैं इसको सारे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। तो जी फ्रेंड्स कढ़ाई बहुत लोग तरह तरह से बनाते हैं, तो बस हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखें इधर मैं टमाटरों के जो छिलके हैं वो निकाल रही हूँ बाहर, तो ये आसानी बहुत आसानी से उतर जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स ये देखें मैं छिलके ये वाले उतार चुकी हूँ यहाँ से अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई की शक्ल कितनी अच्छी निकल के आ गई है। तो इसी तरीके से ये हल्की आँच पर बनती है। तो ये देखें टमाटर सारे इसमें मेल्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये इतना आसान तरीका है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स खुशबू यकीन आप करें इतनी ज़बरदस्त पूरे घर में आ रही है, और ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होती है। अभी हम लोगों ने जाना भी है तो बस इसलिए मैंने थोड़ी बनाई है, वरना मैं 1.5 किलो की बनाती हूँ कढ़ाई, तो 2 टाइम का हमारा अच्छे से हो जाता है। तो बस जी अभी मैंने थोड़ी इसलिए बनाई क्योंकि अभी मम्मी के घर भी जाना है मैंने, और मैंने आज ससुराल भी जाना है। तो बस जी ये घर के लिए खाना बना के रख के जाऊँगी ताकि भाई लोगों को पीछे से मुश्किल ना हो। तो जी फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको, मुझे मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया था, तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम पानी, आधे कप से भी थोड़ा कम पानी डाल के तो मैंने इसको रख दिया था ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो चिकन हमारी देखिए अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं लेग पीस अच्छे से पक चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है चिकन। तो बस जी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ। तो बस जी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो बस जी आप देख सकते हैं ये हल्की सी मैंने देखें इसमें ना इस तरीके से हल्की सी ना थोड़ा सा हल्की सी बिल्कुल ग्रेवी रखी, बल्कि ना होने के बराबर ही है। तो आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से गल चुका है और इतनी मज़े की ये तैयार होती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया और ये वाली मिर्चें, तो इसको डाल के थोड़ी देर में दम रख दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें धनिया ताकि धनिए की अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए। तो बस इसमें रख रही हूँ, ढक दिया मैंने इसको। तो बस जी इसको मैंने दम लगाया हुआ, अभी आँच इसकी मैंने बंद कर दी है, अभी थोड़ी देर इसको वैसे छोड़ दूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। अच्छा जी अभी हम लोग खाएंगे खाना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने जाना भी है, अभी आपको मैंने पहले भी बताया था। तो बस जी बच्चे जा चुके हैं, बच्चे मामू आए थे तो मामू को बुलवा लिया था मैंने, तो बच्चे जा चुके हैं। तो बस अभी हम लोग हल्का थोड़ा थोड़ा सा खाना खाएँगे तो फिर चले जाएँगे। चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर आपको चेक करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो अच्छा जी फ्रेंड्स मैंने ढक्कन उतार लिया और देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट निकल के आया है। तो चलें जी मैं डाल रही हूँ प्लेटों में। अच्छा जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्लेटों में मैं निकाल चुकी हूँ, 2 प्लेटें मैंने तैयार कर ली हैं।
और ये भाई की, ये सैफुरमान भाई और ये मैं और इम्तियाज़ इसी प्लेट में खा लेंगे। बच्चे तो नहीं हैं तो बाकी भाइयों भाई लोग सब खाना को ना चेक करके बताती हूँ को कैसा बना। तो नान मैंने देखे मंगवाए, नान कढ़ाई के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ चेक कि कैसा टेस्ट है। फ्रेंड्स इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि दिल कर रहा बस खाते जाएं, बहुत मज़े का टेस्ट है। फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी हम लोग सॉरी खा रहे हैं खाना। तो बस जी फ्रेंड्स आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और न्यू सब्सक्राइबर का बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो चलें जी फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, खुदा हाफिज़।